17 करोड़ खर्च होने के बाद असम का मुख्यमंत्री बोला कि इस एनआरसी लिस्ट को हम नहीं मानते हैं। अमित साहब की गर्दन फंस गई। प्रधानमंत्री जी को बचाव के लिए रामलीला में लीला करना पड़ा। दिल दिए हो ना भाजपा को, दिमाग है ना, कभी कभी सोचो उसको लेकर के। ऐसा कैसे हो सकता है कि बाप नागरिक हो, माँ नागरिक हो, एक भाई नागरिक हो और दूसरा भाई नागरिक नहीं होगा? जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमको इतना शानदार संविधान दिया है, जिस संविधान की ये ताकत है कि जूता कंपनी का मालिक और जूता सिलने वाला का वोट बराबर होगा, फॉर्चुनर में चलने वाला और साइकिल पर चलने वाले का वोट बराबर होगा, डीजीपी और सिपाही जी का वोट बराबर होगा, जब इतना शानदार संविधान हमारे पास है तो इस संविधान की हम रक्षा करेंगे और इस संविधान की तरफ आंख उठाने वाले किसी भी सरकार को ये कह देना चाहते हैं कि तुमको अगर ये दावा है कि तुम एक इंच पीछे नहीं हटोगे, एक इंच तो क्या, पूरी जमीन तुमसे वापस लेंगे, अपने संविधान के अधिकार की रक्षा करेंगे और तुमको भागना पड़ेगा, तुमको देश छोड़ करके जाना पड़ेगा जैसे विजय माल्या भाग करके गया है। ये मुल्क हमारा है, हमारे पुरखों ने इस मुल्क के लिए जान गंवाई है, इस मुल्क को हम बटने नहीं देंगे। एक बार ये देश बटा है, दोबारा इस देश को हम धर्म के नाम पे बटने नहीं देंगे। ये हमको समझना पड़ेगा कि किस परिस्थिति में आज के डेट में ये एनआरसी लाई गई है। मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए हैं दूसरा बार, जैसे नहीं होता है एक सिनेमा सब में होता है पार्ट वन पार्ट टू, गैंग्स ऑफ वासेपुर वन और गैंग्स ऑफ वासेपुर टू, तो ये तो सिनेमा तो है नहीं। अगर लोकतंत्र है, चुनाव होगा, तो मोदी जी आखिरी प्रधानमंत्री तो है नहीं क्या? बहादुर शाह जफर को कोट कर रहे थे शकील साहब, मुगलों के अंतिम बादशाह मोदी जी तो है नहीं, तो चुनाव होगा ना। चुनाव अगर होगा तो नया प्रधानमंत्री बनेंगे, तो चुनाव किस मुद्दे पे होगा? विकास का ढोलक फूट गया है। भाजपा के लोग भी आपको ये बात स्वीकार करेंगे कि नहीं, विकास तो नहीं हुआ है। तो आप पूछेगा कि खुश काहे हो, तो कहेगा कि मुसलमान सबको ठीक कर दिए हैं। तो हम पूछते हैं कि तुम अपना जीवन ठीक करने के लिए मोदी जी को वोट दिए थे कि मुसलमान सबको ठीक कर देंगे इसलिए मोदी जी को वोट दिए थे? विकास की चर्चा आप कोई करने को तैयार नहीं है। बाजार में चले जाइएगा, महुआ बाजार में, और जो बैनर जलाया होगा ना, अगर उसके घर में किसान होंगे तो उसको पूछिएगा कि किसान की हालत क्या है। अगर सरकारी नौकरी करते होंगे तो पूछिएगा कि बताओ कि एक स्कूल में दूगो मास्टर साहब क्यों हैं? गणित पढ़ाने वाला एगो मास्टर साहब को 65,000 रुपया और दूसरे मास्टर साहब को 15,000 रुपया क्यों मिलता है? पूछिएगा कि एक तरफ मैट्रिक का एग्जाम चल रहा है, दूसरे तरफ शिक्षकों ने हड़ताल क्यों कर रखा है? पूछिएगा उससे कि अगर करते होंगे, दुकान होंगे, तो नोटबंदी के बाद का जो धनतेरस था उसमें ज्यादा फायदा हुआ था कि कम फायदा हुआ था? ठेकेदार होगा घर में तो पूछिएगा कि ठेकेदारी में कमाई बढ़ गया है कि घट गया है? ये सब सवाल पूछिएगा। इन सब सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। सब जानता है कि जो गति पहले थी वही गति आज भी है। फर्क यही आया है कि हम स्कूल में प्रार्थना गाते थे, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा। एक स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी जिसके साथ जुमे का नमाज अदा करने वाला भी स्टूडेंट है और मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखने वाला भी स्टूडेंट है, एक ही साथ जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते थे, हमारे घर आकर के वो दिवाली का लड्डू खा के आता था और उसके घर जाकर के हम ईद की सवैयां खाते थे, साथ में मिलकर के रेडियो पे गाना सुनते थे, तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ऐसा क्या हो गया है कि हर व्हाट्सएप ग्रुप में युद्ध चल रहा है, एक दूसरे से भक्ति होने का, भक्त होने का, देशभक्त होने का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पढ़िएगा ना, तो ऐसा लगता है कि देश में चर्चा नहीं हो रही है,
ये वॉट बॉर्डर खींच गया है व्हाट्सएप ग्रुप के भीतर। साथ में बैठने वाले लोग एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं। और ये परिस्थिति जब मैं देखता हूं तो मुझे अंग्रेजों के जमाने की याद आती है कि अंग्रेज कितनी चालाकी से गाय का मांस मंदिरों में फेंकवा कर, सुअर का मांस मस्जिदों में फेंकवा कर इस देश को आपस में लड़ाते थे, हिंदू मुसलमान करवाते थे और आराम से अपना राज चलाते थे। ये तरकीब इस देश की जो आज की सरकार है अंग्रेजों से सीखा है, फूट डालो राज करो, ये भी हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं और देश के लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जब चुनाव हो तो रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य पे चर्चा नहीं हो, हिंदू और मुसलमान पे हो। और हिंदू और मुसलमान पे चर्चा होता रहे इसके लिए हर वक्त एक नया मुद्दा का जरूरत है। 370 हो गया ना, राम मंदिर भी हो गया, लोगों के वास्तविक जीवन में क्या बदलाव आया? कुछ नहीं। लेकिन फिर भी हिंदू मुसलमान तो होना चाहिए ना। इसीलिए अमित शाह के खुराफाती दिमाग में यह खुराफात आया कि अगर पूरे देश में एनआरसी कर दिया जाएगा तो फिर नए मुद्दे पे हिंदू मुसलमान होना शुरू हो जाएगा। लेकिन बिहार में एक बात कही जाती है, मत बिगाड़ो बिगड़ेगा। बिगाड़ना नहीं चाहिए, भावना को साफ रखना चाहिए। रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है, जाको रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखें तिन तैसी। जिनका दिमाग देश में दंगा फैलाने का हो, वही आज हम तमाम जो आवाज उठाने वाले लोग हैं उनके ऊपर दंगा कराने का आरोप लगा रहे हैं। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, डॉक्टर कफील खान जब चंकी बुखार हुआ था मुजफ्फरपुर में तो यूपी से चल करके आए और नौनिहालों की मदद कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री को फुर्सत नहीं था कि नौनिहालों से जाकर के मिलें। आज उस डॉक्टर कफील खान को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में डाल दिया गया है। और सिर्फ डॉक्टर कफील को नहीं, गुजरात के युवा नेता हार्दिक पटेल को कई मुकदमों पर फंसा करके जेल में रखा गया। आसाम के युवा नेता अखिल गोगोई को कई मुकदमों में फंसा करके जेल में रखा गया। और जो लोग भी आज लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, रोजी रोटी कपड़ा मकान और सबके आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे हैं, उनको देशद्रोही कहा जा रहा है। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि 8 साल और 10 साल के बच्चों के ऊपर सेडिशन और राजद्रोह का केस कर दिया गया है। बताइए, ये सब कुछ अराजकता इस देश में की जा रही है वो इसलिए कि पूरे देश में धर्म के नाम पे ध्रुवीकरण किया जा सके। इनके दिमाग में ये आइडिया आया कि जैसे आसाम में एनआरसी हो रहा है पूरे देश में एनआरसी कर दिया जाए। और जिस आइडिया का नतीजा ये हुआ कि जब आसाम की एनआरसी की लिस्ट जारी हुई तो 19 लाख में से 15 लाख गैर मुसलमानों का नाम काट करके हटाया गया। और इसके बाद इन ये फंस गए। फंस इसलिए गए कि इनका जो धर्म के आधार पर नफरत फैला करके वोट लेने का आइडिया था वो उल्टा पड़ गया। अब कैसे कहते कि धर्म खतरे में है? दिल्ली का चुनाव था तो दिल्ली में धर्म खतरे में था। उसके बाद धर्म के बादल जो हैं वो बिहार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बिहार का चुनाव खत्म हो जाएगा तो वो बंगाल की तरफ चले जाएंगे। ये बहस देश में लगातार होता रहे इसके लिए नई नई तरकीब निकाली जाती है। और जब 15 लाख गैर मुसलमानों का नाम एनआरसी के तहत काटा गया तब इनको ये आइडिया आया कि सीएए लेकर के आते हैं। अगर सीएए लेकर के आएंगे तो हिंदुओं के बीच में, गैर मुसलमानों के बीच में ये बात फैलाई जाएगी कि एनआरसी से आप चिंता मत कीजिए, अगर आपका नाम कट जाएगा एनआरसी से तो सीएए के तहत आपको नागरिकता दे दी जाएगी। बड़का झोल है भाई साहब इसमें। झोल ये है कि अव्वल तो ये पहले कहते थे एनआरसी को लेकर के व्हाट्सएप मैसेज आता था कि हिंदू लोगों को घबराने का जरूरत नहीं है, ये तो मियां जी लोगों को ठीक करने के लिए लाया गया है, उनका घर द्वार ले लिया जाएगा और गरीब हिंदुओं में बांट दिया जाएगा, ये व्हाट्सएप मैसेज चलता था।
जब आसाम के एनआरसी की लिस्ट जारी हुई तो लोग सवाल पूछना शुरू कर दिए हर ग्रुप में, क्या ही रे भाजपा वाला वोटो देते हैं और नागरिकता भी दे दें अब तुमको। तब ये लोग अपने आप को फंसते हुए देखे। कहते हैं ना बिहार में कहावत है, होशियार आदमी तीन जगह मांगता है, ये बेसी होशियार है ना, चार जगह मांग गया, पहले गोड़ में, फिर हाथ में, फिर नाक में, फिर मुंह में, ये चार जगह मांग गया। तब कहा कि अच्छा बॉस ही तो गड़बड़ा गया है, सब ग्रुप में जो है विरोध होने लगा है, सारा सारा ये जो प्रोपगेंडा है, दुष्प्रचार है, वो व्हाट्सएप के थ्रू चलता है। बोला बॉस गड़बड़ा गया है, सब व्हाट्सएप ग्रुप में लोग सवाल पूछ रहा है, अपना जो समर्थक है ना वही सब प्रश्न पूछने लगा है कि ये असम में आप लोग क्या कर दिए हैं। और सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में ही नहीं, असम का तो मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एनआरसी लिस्ट को हम नहीं मानते हैं। 1600 करोड़ खर्च होने के बाद असम का मुख्यमंत्री बोला कि इस एनआरसी लिस्ट को हम नहीं मानते हैं। अमित साहब की गर्दन फंस गई, प्रधानमंत्री जी को बचाव के लिए रामलीला में लीला करना पड़ा कि नहीं 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 हम तो एनआरसी का बातें नहीं कर रहे हैं, जबकि एनआरसी की प्रक्रिया पूरे देश में शुरू हो चुकी है और उसका पहला कदम है एनपीआर। एनपीआर का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, कुछ राज्यों ने इसका विरोध किया है। हम चाहते हैं कि बिहार सरकार भी इस एनपीआर का विरोध करे और बिहार विधानसभा में एनपीआर, एनआरसी और सीए के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करे। इसीलिए ये रैली, ये जुटान हम लोग पटना के गांधी मैदान में करना चाहते हैं। अब दो अलग अलग जगह दो अलग अलग बात बोली जा रही है अपने समर्थक समूह को ये समझाने के लिए कि अगर कागज की छोटी छोटी गलती के तहत गैर मुसलमानों का नाम एनआरसी से कटेगा तो सीए के तहत उसको नागरिकता दे देंगे। देखो भाजपाई दोस्त हमारे पास आया, बोला कन्हैया तुमको क्या दिक्कत है, तुम्हारा नाम कन्हैया है ना, हम जानते हैं, तुम्हारा भाषण सुने थे, तुम कहते हो कि मेरे बाबूजी का नाम जयशंकर है और अंग्रेजी में जे ए आई भी जय होता है और जे ए वाई भी जय होता है, तुम्हारे सर्टिफिकेट में जे ए आई है और छोटका भाई के सर्टिफिकेट में जे ए वाई है, तो अगर कोई एगो भाई का नाम कट जाएगा तो सीए के तहत नागरिकता ले लेना। तो हम बोले तुम तो ढक्कन न हो, दिल दिए हो ना भाजपा को, दिमाग है ना, कभी कभी सोचो उसको लेकर के, कैसा कैसे हो सकता है कि बाप नागरिक हो, माँ नागरिक हो, एक भाई नागरिक हो और दूसरा भाई नागरिक नहीं होगा। और अगर वो सीए के तहत नागरिकता लेने जाएगा तो मान लो कि 6 साल के बाद उसको नागरिकता मिल जाएगी तो पुश्तैनी जमीन जथा को कैसे साबित कर पाएगा कि मेरा पूर्वज का जमीन है, घर द्वार कैसे साबित कर पाएगा कि ये हमारे पूर्वज का घर द्वार है। इसका सबसे बड़ा संकट ये है कि सरकार के पास मात्र 30% लैंड का रिकॉर्ड है, मात्र 30%, 70% लैंड का रिकॉर्ड नहीं है। तो एक बार अगर एनआरसी के तहत कागज की छोटी छोटी गलतियों के आधार पर, और कागज का स्थिति क्या है, मैट्रिक के सर्टिफिकेट में आपके बाबूजी का स्पेलिंग कुछ और होगा, एमए के सर्टिफिकेट में बाबूजी का स्पेलिंग कुछ और होगा, आधार कार्ड पे जन्मदिन कुछ और लिखा रहता है, अब वोटर आईडी पे कुछ और लिखा होता है, नाम वोटर आईडी पे किसी और का रहेगा, फोटो किसी और का चिपका होता है, क्या पत्रकार साहब ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो सबके साथ होता है, खाली मुसलमान के साथ नहीं होता, हिंदुओं के साथ होता है। और खास करके जो गरीब आबादी है, जो मेहनत मजदूरी करने वाली आबादी है, पैदा कहीं और होते हैं और काम करने के लिए कहीं और जाते हैं। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि बिहार के 50% लोग बिहार के बाहर जाकर के काम करते हैं। वो सब जो लोग बाहर रह रहे हैं, जब पूरे देश में एनआरसी होगा तो सब बिहारी लोग को वापस बिहार आकर के मुखिया जी से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कि नहीं बनवाना करेगा कि हमारे बाबा के बाबा का ये नाम था, याद है दोस्त अपने बाबा के बाबा का नाम देख लीजिए, हनुमान जी लॉकेटो पहना हुआ है। ये मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये मामला इस देश के जो गरीब लोग हैं उन तमाम लोगों को कागज की छोटी छोटी गलतियों के आधार पर अगर एनपीआर होता है, एनआरसी होता है, तो उनको अपनी नागरिकता से हाथ धोना पड़ेगा, अपनी नागरिकता गंवानी पड़ेगी। जहां तक सवाल है सीए के तहत दोबारा नागरिकता मिलने की, तो गणेश जी के मूढ़ी पर
हाथी का मुड़ी लगाया गया, उससे पहले गणेश जी का गर्दन भोला बाबा काट लिए थे ना त्रिशूल से। तो पहले नागरिकता आप लेना चाहते हैं तो नागरिकता आपको छोड़नी पड़ेगी ना, और नागरिकता जब छोड़ेंगे तो खाली नागरिकता नहीं जाएगी, नागरिकता भी जाएगी, बाप दादा का जमीन जथा भी जाएगा, घर द्वार भी जाएगा, नौकरी भी जाएगी, आरक्षण भी जाएगा, अब बैंक का खाता भी सील होगा। ये बात हम तमाम लोगों को समझनी पड़ेगी, नागरिकता के साथ वोट देने का अधिकार भी गंवाना पड़ेगा। इसीलिए ये पूरी की पूरी लड़ाई किसी एक समुदाय की नहीं बल्कि हम तमाम लोगों की लड़ाई है, चाहे हमारा जाति कुछ भी हो, हमारा धर्म कुछ भी हो, और इस लड़ाई के पीछे जो अजल असल साजिश है उस साजिश को हमको समझना पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा प्रक्रिया घुसपैठियों की पहचान के लिए नहीं बल्कि अपने ही देश के नागरिकों को घुसपैठिया साबित करके उनकी संपत्ति हड़पने का प्रोग्राम है। यह बात हम तमाम लोगों को समझना चाहिए। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करने के लिए आया हूँ कि इस बड़ी लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए, और इस लड़ाई में हमको इस बात का पूरा भरोसा है कि जब जनता एकजुट होकर के लड़ती है तो बड़ी से बड़ी ताकत को हरा सकती है। अंग्रेजों को लगता था कि फूट डालो राज करो की नीति पे चल करके वो इस देश पे राज करते रहेंगे, लेकिन गांधी बाबा आए आधा धोती पहने और आधा धोती लपेटे, एक बात बोल करके अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिया, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमको इतना शानदार संविधान दिया है जिस संविधान की ये ताकत है कि जूता कंपनी का मालिक और जूता सिलने वाला का वोट बराबर होगा, फॉर्चूनर में चलने वाला और साइकिल पे चलने वाले का वोट बराबर होगा, डीजीपी और सिपाही जी का वोट बराबर होगा। जब इतना शानदार संविधान हमारे पास है तो इस संविधान की हम रक्षा करेंगे, और इस संविधान की तरफ आंख उठाने वाले किसी भी सरकार को ये कह देना चाहते हैं कि तुमको अगर ये दावा है कि तुम एक इंच पीछे नहीं हटोगे, एक इंच तो क्या पूरी जमीन तुमसे वापस लेंगे, अपने संविधान के अधिकार की रक्षा करेंगे, और तुमको भागना पड़ेगा, तुमको देश छोड़ करके जाना पड़ेगा जैसे विजय माल्या भाग करके गया है। ये मुल्क हमारा है, हमारे पुरखों ने इस मुल्क के लिए जान गंवाई है, इस मुल्क को हम बटने नहीं देंगे। एक बार ये देश बटा है, दोबारा इस देश को हम धर्म के नाम पे बटने नहीं देंगे। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों को ये कहने के लिए आया हूँ कि आप 27 तारीख को पटना के गांधी मैदान में आइए, और पटना के गांधी मैदान से बिहार की सरकार पे दबाव बना करके बिहार विधानसभा से हम ये रेजोल्यूशन पास करेंगे। अगर रेजोल्यूशन पास नहीं करेगा तो जैसे गांधी जी ने नमक कानून के खिलाफ सविनय अवज्ञा किया था, हम भी इस विभाजनकारी एनपीआर एनआरसी और सीए के खिलाफ सविनय अवज्ञा करेंगे, इस कानून को नहीं मानेंगे, लड़ेंगे और हाल में इस लड़ाई को जीतेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।